नया वीडियो शुरू हो चुका है जो कि आप देख सकते हैं। तो अभी सुबह की बज रहे 7:30, तो अभी हम जा रहे हैं, आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है देखने लायक, क्योंकि बहुत कम लोगों को वहाँ जाने का मतलब वो मिलता है, मौका मिलता है। तो आज मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे वहाँ जाने का मौका मिल रहा है, और आपको दिखाता हूँ आज का जो व्यू है। और तो यहाँ से काफ़ी शानदार दिख रहा है, जो कि आज का मौसम भी है, मौसम बादल लगे हुए हैं और बारिश होने की संभावना भी है, पर देखते हैं मौसम क्या रुख देती है। और अभी काफ़ी ज़्यादा लौंडे जा रहे हैं हम लड़के लोग, तो एक दोस्त की मतलब कि पूजा है वहाँ, तो उसी पूजा में हम जा रहे हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया। तो दिखाते हैं आपको वहाँ का, वहाँ तक का व्यू और रास्ते का सफ़र कैसा होता है और कैसा रास्ता है। तो सारी में इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूले। और जो मेरे इस चैनल पर नए आए हुए कृपया सब्सक्राइब कर दें। और वैसे तो आज का मौसम है तो थोड़ा ठंडा है, तो दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ये जंगल चट्टी और वहाँ पर हमें थोड़ा मतलब वेट करना पड़ रहा है किसी का। और यहाँ हमारे यहाँ बंगले आप देख सकते हैं, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब फलों के पेड़ है, जिनसे हमें कुछ फल एकत्रित किए अपने लिए खाने के लिए। इनके लिए पहाड़ी, इनको बोलते हैं पहाड़ी में पोलम बोलते हैं। और जो कि चलो यहाँ पर कोई लगे है निकालने दे पेड़ से, तो चलो देख सकते हैं आप कहाँ बैठ रखा है अमित सिंह और मामा लोगों के साथ। तो वो अभी चलते हैं, आपको दिखा दें वहाँ का रास्ता कैसे है, कैसे है। मेरे साथ है बकरी, बकरी और सजनी आ चुके हैं बड़ो सो दुमकड़ में। यहाँ से काफी अच्छा व्यू यहाँ का, ये देख सकते हैं आप लोग। तो और हम यहाँ से मुझे लग रहा है काफी दूर मंदिर है। तो मेरे साथ बकरी भी है, अगर छूट गई तो, और अजय सिंह के पास दिया है आटा का, आटे का कट्टा, और मेरे पास है बकरी। तो भाई छायम अभी आपको आज कुछ बोल यार, कुछ बोल ना। ये बकरी जब उल्टा उल्टा भागने लगे, आज हमको बोल घेरा दो, आज हमको बुलावा आ गया काफी सुनसान रास्ता है यहाँ से, और फिर की तो
यहाँ बहुत ज़्यादा काफ़ी भीड़ है और आप देख सकते हैं काफल काफ़ी तो अभी लगे लड़के लोग सारे काफल खाने में और कुछ दिखा दे आप लोगों को आगे का सर वाला रास्ता आ चुका है और घना घोर जंगल यहाँ झूप भी लग रही है और मंदिर की घंटी भी बज चुकी है यहाँ से और तो आपको दिखा दूँ मैं यहाँ का जो मंदिर है दिखा दूँ आपको और आपको सबसे पहले आप गेट दिखा रहे हैं तो ये मंदिर है भैरवनाथ देवता का प्रदीप सिंह हमारे सामने और आते ही हमें भेज दिया गया लकड़ी लेने के लिए क्योंकि जो पूजा होगी देख देखते हैं आप लोग तो दिखाते हैं आपको सीधे लकड़ी लेने के बाद की वीडियो लकड़ी में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ हमेशा पूजा होती है और मैंने दो लकड़ियाँ इकट्ठ कर दी है और भी मिलेंगी और अभी सब जा रखे हैं हम कोई नीचे कोई ऊपर एक बड़ा सा मुछाला आप देख सकते हैं हम लेके जाएंगे वहाँ घूमने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और देख सकते खाने के लिए भीतरों मिल चुका है और इसके बाद सारे बैठ गया हूँ मुरीद दिख रहे ये खाली सुबह 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 खा रहे हैं हम यहाँ पर खड़े होके हैं आप देख सकते हैं और कुछ नीचे हाथ मुड़ हो रहे हैं और कुछ बुढ़े लोग यहाँ नीचे खा रहे हैं और एक बुढ़ा और आ गया है अजीब जानवर है ये हो रही है यहाँ से आप देख सकते हैं सारे आगे जा रहे हैं सारे तो बाय बाय करते हैं आशीर्वाद लेकर करे लास्ट दो घंटे
तो यहाँ का जो गेट है वो आपको दिखाता हूँ मैं आगे। तो फिर से जंगल वाला रास्ता आ चुका है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर सड़क। ये उसी धार में और काफी आगे भी आ चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। बहुत बहुत भयंकर दमगोड़ है ये। सड़क में पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं आने लगे अपने फोन मोबाइलों पर। तो अभी गाड़ी का बैटर है यहाँ पर और चुके हैं और हम नवीन की बाइक देख रहे हैं। हमारे नवीन बोरी चल नवीन यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बाइक और बाइक ये पूरी चुकी है। वीडियो समाप्त करते हैं। तो बताया जाता है कि भैरवगढ़ी की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई थी कि वहाँ पहले जहाज़ गिरा था कोई एक, तो वहाँ से फिर पता लगा कि यहाँ मंदिर है और जो पायलट था वो सारे लोग पायलट और उसके साथ सभी बचे हुए थे और फिर उन्होंने जाके बताया कि वहाँ मंदिर है, तब से प्रतिदिन वहाँ पूजा होती है और किसी न किसी श्रद्धालु की जब मनोकामना पूरी होती है तो फिर वहाँ वो मतलब कि पूजा कराते हैं वहाँ, तो वहाँ जो प्रगति तो वहाँ प्रतिदिन पूजा होती है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।